किसानों के मसीहा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नगर के अनाज मंडी परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, उनके प्रतिनिधि नरदेव चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक एवं भाजपा कार्यकर्ताओं तथा किसानों ने उन्हें माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि चौधरी चरण सिंह के महान नेतृत्व के कारण ही आज देश का हर नेता अपने भाषण किसानों से ही शुरू करता है और किसानों पर ही खत्म करता है। उन्होंने बताया कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और चौधरी चरण सिंह ने किसानों को सर्वोपरि रखने की बात कही, इसीलिए वह किसानों के महान नेता तथा मसीहा के रूप में पूजे जाते हैं। निर्विवाद रूप से श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह देश की आजादी के बाद सर्वमान्य किसान नेता है। उन्होंने चौधरी साहब से पहले 1967 में श्रद्धेय चौधरी साहब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले कभी कोई देश का नेता किसान का जिक्र अपने भाषण में नहीं किया करता था। 1967 में जैसे ही चौधरी साहब मुख्यमंत्री बने, अब देश का नेता कोई भी अपना भाषण किसान से शुरू करता है, किसान पे ही ख़त्म करता है। ये सबसे बड़ी देन श्रद्धेय चौधरी साहब की रही है किसान की। वो कहा करते थे कि देश के विकास का रास्ता तो खेत और खलिहान से होके गुजरता है, ये किसानों का देश है। आज 72% जनता खेती पर निर्भर है देश, इसलिए जब तक 72% का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के विचारों के अनुसार, उनके सपनों के अनुसार किसान की दोगुनी आय करने के लिए, किसान के फसल को फायदेमंद करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और आज उन्हीं की बताए हुए आर्थिक, जो किसानों का एक आर्थिक दर्शन चौधरी साहब ने दिया, उसके मुताबिक हमारी सरकार कार्य कर रही है। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि केवल देश नहीं पूरी दुनिया में चौधरी साहब का अर्थशास्त्र किसानों के लिए लाभदायक है, तो वो पढ़ाया जाना चाहिए। मैं ये मांग भी करता हूँ कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की अर्थशास्त्र की किताबें कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी लागू की जानी चाहिए। मंत्री जी, कहीं ना कहीं किसान खाद के लिए परेशान है, आज भी खाद नहीं मिल पा रहा है, ज़्यादा क्या दिक्कत आ रही है? जितना खाद, हर साल खाद की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जितना खाद मथुरा जिले में है उसका 40% खाद अकेले छाता क्षेत्र में है। और यहाँ चूँक अनेक कारण ऐसे हो सकते हैं, हरियाणा लगा हुआ है, राजस्थान लगा हुआ है, हो सकता है कि इधर उधर भी चला जाता हो अपने रिश्तेदारियों में, खाद की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ना कोई कल्याण।